हेलो, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? अच्छा, ओके। चलिए, कल हमने किया था, आपको याद होगा, अगर फोटोन के बारे में ज़्यादातर पढ़ा था, डी ब्रॉगली इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, और वेवलेंथ निकाला था हमने। वेवलेंथ की इक्वेशन निकाली थी जिसमें हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस हो किस तरह से एक्सेलेरेट करता है, वो रिलेशन क्या था आपको याद होगा, लैम्डा इज इक्वल 12.2 अपॉन वी अंडर रूट करके वो निकाला था। तो सेम आज हम आगे करेंगे, इसके आगे करेंगे। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप एक बार फिर से वीडियो ध्यान से सुन लें और उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसके बाद हम डेविनसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर उसके बाद हम फोटोवोल्टिक सेल्स पढ़ेंगे, क्या होते हैं सेल्स, टाइप्स ऑफ सेल्स क्या होते हैं, वो सब चीज़ पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और वो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ये शायद आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, उसमें भी क्लियर था ये। ठीक है, क्या होता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि हम किसी भी बॉडी की पोजिशन और मोमेंटम के बारे में बताने के लिए, ठीक है, एक साथ सर्टन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, वी साइमल्टेनियसली कैन नॉट एक्सप्लेन द एग्जैक्ट पोजिशन एंड द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। तो उस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, अनसर्टनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, दोनों अलग चीज़ें। देखिए, अगर कोई पोजिशन उसकी फिक्स है तो मोमेंटम शो करना मुश्किल है, अगर मोमेंटम आपने शो कर दिया तो उसकी पोजिशन को बताना मुश्किल होता है। ठीक है, तो उस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं हम, उसका अनसर्टनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, आपको पता है हाइजेनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसिपल आपने पढ़ा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजिशन एंड द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल एक्यूरेटली। ठीक है, फिर अगर आपको याद होगा, मैथमेटिकली आपने पढ़ा था डेल्टा एक्स डेल्टा बी इज इक्वल टू एच। ठीक है, इस तरह की आपकी इक्वेशन थी, ये आपने पढ़ा हुआ है। आज जो हम इसके बाद पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डेविनसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में। अनसर्टेनिटी का इतना करिए, ठीक है, डेविनसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्यों किया था, इनका एक्सपेरिमेंट क्या है, उस एक्सपेरिमेंट में क्या निकाला था, किस तरह के अरेंजमेंट्स थी, वो हम पढ़ने वाले हैं। अब डेविनसन और जर्मर ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था कि जो इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर है, किसको स्टडी करने के लिए किया था एक्सपेरिमेंट, ये टू स्टडी द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था इन 1927। ठीक है, इन 1927 में डेविनसन जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, किसके रिगार्डिंग, टू स्टडी द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट में क्या निकल के आया, ठीक है, वो अरेंजमेंट्स डायग्राम है, उसको जो एक्सपेरिमेंट के जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी उसको परफॉर्म करने के लिए उन्होंने एक डायग्राम बनाया, और उससे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से ठीक है, ये अलग अलग तरह से यहाँ से कुछ कई जगह अलग से दिया हुआ है, इसको अटैच यहाँ पे किया हुआ है, कहीं इस तरह से लिखा है, ये थोड़ा सा इसका मॉडिफिकेशन का है। फिर ये जो होता है, हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसको जो टंगस्टन हम यूज़ करेंगे, जो हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी, दैट इज इलेक्ट्रॉन गन। समझ
सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, ये इलेक्ट्रॉन गन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन गन मतलब एक टंगस्टन का है, एक फिलामेंट है, इसको कोट किया गया हुआ है। ठीक है, इसको कोट किया गया विद वेरियम। ठीक है, वेरियम के साथ इसको कोट किया गया है। क्यों कोट किया गया है? टू रिड्यूस द वर्क फंक्शन। क्यों कोट किया गया हुआ है? टू डिक्रीज द वर्क फंक्शन। ठीक है, मतलब क्या बोला मैंने, एक टंगस्टन है, फिलामेंट लिया हमने, ठीक है, तो उसमें कोटेड किया गया है। ठीक है, और किसके साथ कोटेड किया गया है? ये मैंने आपको बोला अभी, वेरियम ऑक्साइड के साथ कोटेड किया गया हुआ। क्यों कोट किया गया हुआ है? टू रिड्यूस द वर्क फंक्शन। ठीक है, टू रिड्यूस द वर्क फंक्शन। क्लियर है? अब रिड्यूस करिए वर्क फंक्शन को, फिर मतलब ये जो फिलामेंट है इट विल एक्ट एज अ एमिटर। ठीक है, क्या करेगा? एक्ट एज अ एमिटर। ठीक है, अभी एमिटर की एक्ट करता है तो ठीक है, फिर हमने इसको क्या किया, ये मैंने पे एलईडी लिखा हुआ, लो टेंशन। ठीक है, इसके साथ इसको हीट अप किया जाता है विद हेल्प ऑफ एलटी बाय द लो टेंशन बैटरी। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, टू इट विल गिव अ थर्मोआयनिक एमिशन। फिर जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे गेट एक्सेलेरेटेड। फिर यहां पे अरेंज होता है एचटी हाई टेंशन, उसके बाद एक्सेलेरेट कर जाते हैं, और फिर एक्सेलेरेट जब कर गए तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन्स वहां से, ठीक है, फाइन स्ट्रीट विम इलेक्ट्रॉन्स की निकलेगी यहां से, एंड इट विल स्ट्राइक दिस मेटल सरफेस होता है। ठीक है, और ये जो लगा हुआ है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसका निकल क्रिस्टल। क्या है ये? निकल क्रिस्टल। ये दिस निकल क्रिस्टल को ये स्ट्राइक है, जो भी एक्सेलरेट हुआ यहां पे। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रॉन गन हो गया, दूसरा हो गया निकल क्रिस्टल। ठीक है, सेकंड पॉइंट पार्ट, और निकल क्रिस्टल में क्या हुआ कि जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर से गए तो उन्होंने निकल क्रिस्टल को हिट किया, फिर जो एटम ऑफ क्रिस्टल थे वो दे विल स्कैटर्ड द विम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑल द डायरेक्शन। ठीक है, वो सारे डायरेक्शन में वो स्कैटर कर जाते हैं। क्लियर है? फिर उसको इन सब जो इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट किए सारे इसमें चले गए, उसको डिटेक्ट करने के लिए यहां पे क्या लगता है, जो थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज डिटेक्टर। ठीक है, डिटेक्टर की सहायता से हम मेजर कर लेते हैं कितना ये कहां पे है। क्लियर है? समझ लो, तो वर्किंग में आप क्या लिखोगे कि हमने एक विम ऑफ कंपैटिबली लो इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स गन लिया। ठीक है, उसको निकल के क्रिस्टल के ऊपर फेंका, फिर वहां से जो पर्टिकुलर एंगल्स में इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड कर जाते हैं। ठीक है, और वो जो इलेक्ट्रॉन जो थे, जो स्कैटर्ड विम ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, दे आर डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर। ठीक है, तो उसको डिटेक्टर क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, फिर जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट विम ऑफ इलेक्ट्रॉन थी वो वेरी करेगी बाय अप्लाइंग, या जब हम जो अप्लाइड वोल्टेज जो थी इलेक्ट्रॉन गन को हम दे रहे हैं उसको चेंज करने के साथ साथ इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन भी चेंज होती रहेगी। फिर जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है उसको हम स्कैटरिंग एंगल से मेजर करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, उसको स्कैटरिंग एंगल से मेजर करते हैं, और वो स्कैटरिंग एंगल इज थीटा। ये थीटा हो गया, ये जो इंसिडेंट रे थी और ये स्कैटर्ड रे इलेक्ट्रॉन के बीच में जो एंगल है, दैट इज स्कैटरिंग एंगल। तो इसकी सहायता से हम इसको मेजर करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया फिर इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट में, और साथ में जो पोटेंशियल प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, उसकी इंक्रीज करने के लिए, एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए जो अप्लाइड वोल्टेज है उसके बीच में हमने ग्राफ ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब ग्राफ क्या है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग तरह के ग्राफ बने, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 ग्राफ दिए होते हैं बुक में। ठीक है, मैं यहाँ पे बनाया था, तो ये आ गया आपका 44 वोल्ट पे, 48 वोल्ट पे, 44 वोल्ट पे, 48 वोल्ट पे, 54 वोल्ट पे। ठीक है, और लास्ट वाला होता है 64 वोल्ट पे, 64 वोल्ट। ठीक है, इस साइड को इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, इस तरह से मैक्सिमम वो यहां पे रहता है, और उसके बाद ये साइज फिर से क्या रहता है, कम हो जाता है। कि ऑब्जर्वेशन क्या क्या तो जो कम मिली पोटेंशियल को इंक्रीज किया तो ये बढ़ता गया साइज, कब तक बढ़ेगा 54 वोल्ट पे, इसकी वैल्यू क्या रहती है साइज ऑफ की मैक्सिमम।
उसके बाद अगर हम फिर से इसको इंक्रीज करेंगे तो साइज ऑफ बम क्या होता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो मतलब जो आपको ये जो साइज ऑफ बम है वो कितने मिलेगा, याद रखना कि जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग था वो कितना होना चाहिए, 50 डिग्री होना चाहिए, और ये वोल्टेज के बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज करेगा, और ये मैक्सिमम कहां पे होगा, जो पोटेंशियल जो इसकी रहती है 54 वोल्ट। आई बात समझ में क्लियर है? तो इस तरह से ये ऑब्जर्व किया गया। फिर अगर आप चाहो तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जो एंगल जो था, जो ग्लासिंग एंगल हम इसको बोलते हैं, उसको भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ये एंगल फाई हो गया, ये एंगल भी फाई हो गया। अब आपको पता है मैथ के हिसाब से एक लाइन पे जो एंगल होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 180। कितना होता है वो? 180। ठीक है, अब 180 का कितना बन गया हमें, बस यहां तक करना है, पॉइंट सिक्स तक सीधा थ्योरी लिखनी है, और जो ऑब्जर्वेशन वी ऑब्टेन फ्रॉम द ग्राफ जो मैंने आपको बोला भाई ये किस किस के पीछे बनेगा, ठीक है, इसका साइज ऑफ बम बनेगा स्कैटरिंग एंगल के ऊपर, फिर उसके बाद ये इंक्रीज होता रहेगा विद इंक्रीज इन पोटेंशियल, और मैक्सिमम कितने में हो 54 वोल्ट पे, उसके बाद अगर इंक्रीज करेंगे तो साइज ऑफ बम डिक्रीज करेगा। ये आप पॉइंट्स करके ऑब्जर्वेशन से लिखने हैं, और फिर जब ये निकालोगे यहां पे ग्लास एंगल तो उसमें कितना आ जाएगा जो शार्पनेस रहती है सबसे ज़्यादा इसी पे रहती है, और जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग जो था उसका उस तरह से होता है। अगर आप अगर इसकी वेवलेंथ लैम्डा वाला याद होगा आपको, मैंने अभी बोला था रेशियो निकाला था, वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू रेशियो याद होगा तो 12.27 अंडर रूट वी, हियर वी इज 54, कितने पे है 54 पे, तो 54 का अंडर रूट निकाल के आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर? और अगर थियोरेटिकली ब्रैग्स इक्वेशन के हिसाब से जो मैक्सिमम डायफ्रेक्शन निकालना है वो भी आप कर सकते हो, अगर वो रिलेशन आपको याद है, ठीक है, पूरी कैलकुलेशंस की गई थी कि वो ब्रैग्स इक्वेशन डी साइन फाइव इज इक्वल, अभी जो D होता है निकल क्रिस्टल के लिए इट इज 0.91, ओके, इट इज 0.91 आर्मस्ट्रांग। क्लियर है? अगर फर्स्ट प्रिंसिपल पे फोकस होगा तो क्या हो गया, वन हो गया, ठीक है, तो वन हो गया, दैट मींस लैम्डा इट इज इक्वल टू 2 × 0.91 फिर इंटू साइन कितना याद होगा 65 डिग्री, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करो तो ये 1.65 ही आता है वहां पे, मतलब ब्रैग्स इक्वेशन से निकालो या मैंने बोला इक्वेशन जो आपने लैम्डा करके, लैम्डा इज इक्वल टू कितना किया था आपने वो 12.27 अपॉन अंडर रूट वी करके, वो वाले वैल्यू से निकालो चाहे इससे निकालो, वैल्यूज ऑलमोस्ट इनकी सेम रहती है, उससे आपका निकला था 1.67 आर्मस्ट्रांग, और इसको जब आप सॉल्व करोगे सो इट इज इक्वल टू 1.65, ठीक है, तो ये वैल्यूज क्या रहती है, सेम रहती है, तो मतलब जो एग्रीगेट इनका रहता ऑलमोस्ट वो सेम रहता है, तो जो ठीक है, इसका मतलब जो थ्योरेटिकल वैल्यू और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ वेव्स की विच इज एसोसिएटेड विद मूविंग इलेक्ट्रॉन्स वो इक्वल है, इसलिए जो डेविनसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट्स था दे प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ मूविंग पार्टिकल्स। क्लियर है? तो ये था डेविनसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में। क्लियर है? इसके बाद मैंने बात की थी फोटोइलेक्ट्रिक सेल की, फोटो सेल या आप क्या बोल सकते हैं, फोटो सेल्स क्या हुआ है?
कोई भी डिवाइस, ठीक है, विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी और वेरिएशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, उसको हम फोटोइलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोई भी डिवाइस जो कन्वर्ट करती है, ठीक है, फोटो का मतलब क्या, लाइट, फोटो सेल मतलब जो डिवाइस जो इस फोटो सेल को, ठीक है, जो हमारे पास क्या होता है, जो फोटो, ठीक है, लाइट एनर्जी हुई, फोटो मतलब जो लाइट एनर्जी हुई उसको कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उस सेल्स को हम फोटो सेल या फोटोइलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। अब मैंने कहा था प्रिंसिपल इसका, ये प्रिंसिपल क्या हुआ, इट वर्क्स, फोटोइलेक्ट्रिक सेल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो प्रिंसिपल वर्क्स का वो क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, प्रिंसिपल है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब टाइप्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स है, फोटो एमिसिव सेल है और फोटो कंडक्टिव सेल है, साथ में फोटो वोल्टिक सेल है, ठीक है। अब जो फोटो एमिसिव सेल है, इसका जो फोटो एमिसिव सेल है मतलब फोटो ट्यूब जिसको हम बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि जब लाइट, ठीक है, इंसिडेंट होगी कैथोड रेज पे, इट एमिट्स द फोटो इलेक्ट्रॉन्स विच आर अट्रैक्टेड बाय द एनोड, और जो फोटो इलेक्ट्रॉन जो थे वो स्मॉल करंट कंस्टिट्यूट करेंगे और दे विल फ्लो थ्रू द एक्सटर्नल सर्कल, ठीक है। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय फिलिंग मोर इनर्ट गैसेस, जैसे बल्ब वगैरह में हमारे पास आर्गन गैस होती है ना, तो जो बल्ब वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, फोटो एमिसिव सेल्स, ठीक है, वो क्लियर है। बाकी फोटो कंडक्टिव सेल्स होते हैं, मतलब वो क्या होता है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ठीक है। कोई सेमी कंडक्टर्स है उसके ऊपर वो लाइट घिरेगी, ठीक है, फिर वहाँ पे उसकी फंक्शनिंग होगी, फिर वहाँ पे कन्वर्शन होगी, फिर वहाँ पे उसकी वर्किंग होगी, उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक फोटो कंडक्टिव सेल कहते हैं, ठीक है। फिर फोटो वोल्टिक सेल में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करना है, फिर वो जो पोटेंशियल मतलब प्रिंसिपल जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है, दे कैन डेवलप पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सूटेबल सब्सटेंस, ठीक है, जिसमें जैसे मेटल लेयर्स बनी होती है गोल्ड वगैरह की, तो उस तरह से जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे हम इस सेल को यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। फिर इसके बाद आता है इसका कि चलो ये तो हो गया, अब इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हम इसका यूज कर सकते हैं, वट आर द एप्लीकेशंस ऑफ दिस फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, ठीक है, सिंपल है, इसको लर्न जरूर कर लेना, है ना, किस तरह से आते हैं, कहाँ पे आता है। और दूसरा क्या होता है कि ये जो एप्लीकेशन है जो मैं बताने वाला हूँ आपको, ये आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, ये एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है कि इट इज़ बेस्ड ऑन, ठीक है, किस किस के ऊपर बेस है, कि क्या करता है ये, है ना, कहाँ किसका फंक्शनिंग किस तरह से होती है, वो सब चीज़ें इसमें आती है, ठीक है। अब क्या क्या होता है, सबसे पहले जो ऑटोमेटिक फायर अलार्म होते हैं, जो वर्गलर अलार्म होते हैं, स्कैनर्स होते हैं, सिनेमा हॉल्स होते हैं, पेपर इंडस्ट्रीज होते हैं, फ्लॉर्स होते हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी ऑटोमेटिक जो स्ट्रीट लाइट्स होती है, ठीक है, जो ऑटोमेटिक फर्नेस होता है, फोटोमेट्री होता है, फोटो इलेक्ट्रिक सॉर्टिंग होता है, फोटो काउंटिंग होती है, तो वहाँ ये मेटलर्जी है, वहाँ सभी जगह ये फोटो सेल्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। मैं आपको वन बाई में थोड़ा सा डिटेल में और बता देता हूँ। जैसे मानो ऑटोमेटिक फायर अलार्म है, ठीक है, ये जो ऑटोमेटिक फायर अलार्म है, ठीक है, क्या है ये ऑटोमेटिक फायर अलार्म है। इसमें क्या हुआ कि जो फोटोइलेक्ट्रिक सेल थे जो सूटेबल सर्किट्स में हम इंस्टॉल करते हैं सेंसिटिव प्लेसेस पे, तो जब फायर ब्रेक्स आउट होती है, लाइट गिरती है फोटो सेल्स के ऊपर, ठीक है, सो इट कॉजेज द फोटो एमिशन। फिर जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पे सर्किट में फ्लो करेगा और एक बेल जो उसके साथ लगी होती है वो क्या करेगी, बजना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सर्किट में जो फ्लो किया, करंट किया, तो करंट फ्लो हो गया ना, जो फ्लो करने लगे तो करंट में एक अलार्म रखा होता है सेंसर जगह, वो अलार्म क्या होता है, ऑटोमेटिक उसकी वजह से बजने लगता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेटिक फायर अलार्म होता है वहाँ पे। फिर ऑटोमेटिक वर्गर अलार्म है, वहाँ पे भी क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट सोर्स होते हैं, इनविजिबल लाइट जो हुई वो उसके ऊपर गिरेगी फोटो सेल्स के ऊपर, ठीक है। जैसे होता है ना जो जो वर्गलर होते हैं, ठीक है, जब वो उस विम अल्ट्रा वायलेट रेज को क्रॉस करते हैं, इलेक्ट्रिक बेल बजना शुरू हो जाती है,
ठीक है, बाकी स्कैनर्स के रूप में इसका यूज़ होता है, जैसे टेलीविजन में पिक्चर्स ऑफ वेयरिंग ब्राइटनेस होती है, टेलीकास्ट होती है, तो उसमें भी इसका यूज़ हम करते हैं स्कैनिंग स्क्रीनिंग में। सिनेमा हॉल्स में होते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड इन सिनेमा फिल्म्स, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। पेपर इंडस्ट्रीज में होता है, जो थिकनेस ऑफ पेपर होती है ना मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, उसको कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो फ्लॉज आते हैं, क्रैक्स होते हैं या होल्स वहाँ पे बने होते हैं, तो जब लाइट उसमें से पास करती है तो वहाँ पे फोटो सेल्स होते हैं, फोटो सेल्स के ऊपर, तो उसकी वजह से जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा और इंडिकेटर्स बजना शुरू हो जाते हैं उसकी वजह से, ठीक है। एस्ट्रोनॉमीज होती है, फोटो सेल्स जो एनालाइज करते हैं इंटेंसिटी और टेम्परेचर ऑफ द सन है, स्टार्स है या कोई और हैवीली बॉडीज है, वहाँ पे उनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। साथ में द फोटो सेल्स आर यूज टू डिटरमिन द ऑप्सिटी ऑफ द सॉलिड्स और लिक्विड, तो बीच में वहाँ पे जो गैप्स है उस तरह का निकाल सकते हैं। जो स्ट्रीट लाइट्स होती है, ठीक है, स्ट्रीट लाइट्स में भी जो रिक्वायर्ड वैल्यूज होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट की, उसके हिसाब से अपने आप ऑटो जो रहते हैं स्विच ऑन और ऑफ होते रहते हैं, ठीक है। बाकी फोटो काउंटिंग होती है, ठीक है, जैसे बहुत सारे जो फोटो सेल्स होते हैं, जैसे हमारा कोई बीम ऑफ लाइट से क्रॉस होके जा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जैसे मतलब कोई हॉल में या थिएटर में या बड़े स्टेडियम में कोई एंटर करते हैं, वहाँ पे जैसे कोई क्रिकेट का मैच आप देख रहे होते हैं या बड़े स्टेडियम्स में होते हैं, तो वहाँ पे आता है कि यहाँ पे अपॉक्सी इतने आदमी हैं, ठीक है, इतने लोगों के यहाँ पे कैपेसिटी थी, इतने आदमी आ गए, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, वो कहाँ से होते हैं, इन फोटो सेल्स की सहायता से वो ऑटो काउंटिंग उनकी की जाती है, तो फिर हमको पता लग जाता है कि इतने आदमी थे, स्टेडियम की कैपेसिटी ये थी, तो इतने यहाँ पे आ गए हैं, तो ये इनका यूज़ है, इनको ज़रूर कर लें, ठीक है। मेटलर्जी में था एक, मेटलर्जी जो यूजेज रिकॉर्डर्स बेस्ड ऑन द फोटो सेल्स टू रिकॉर्ड द वेरिएशंस ऑफ द डे लाइट विद द टाइम, तो ये चीज़ें थी, ठीक है। अब इसके साथ आपने ये सिंपल था थ्योरेटिकल, ठीक है, ऑलमोस्ट ये चैप्टर कम्प्लीट है थ्योरी के हिसाब से। अब इसके ना आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है, एक न्यूमेरिकल मैंने करके देता हूँ आपको, फिर मैंने कहा था कि जैसे ये सारी खत्म हो जाएंगे मैं एक साथ आपके एक अलग से ही या कल या परसों में इसका पूरा आपको नेक्सस में सारे न्यूमेरिकल्स करवा देता हूँ, ठीक है। और छोटा सा एक आपको प्रैक्टिस के लिए बता देता हूँ मैं, एक जैसे आपको क्वेश्चन है यहाँ पे, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड इन इलेक्ट्रो बोर्ड विद अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड इन इलेक्ट्रो बोल्ट विद अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो क्या है सबसे पहले फर्स्ट रूल क्या बताया आपको, कि जो आपको क्वेश्चन में दिया होता है आपने उनको स्टैंडर्ड सिंबल में लिखना है, तो आपको दिया है वेवलेंथ, वेवलेंथ कितनी दी हुई है, दैट इज 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग, 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब पता है 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग अगर आपने मीटर में कन्वर्ट करना है तो इट बिकम्स 4×10⁻⁷ मीटर, इट इज 4×10, क्योंकि आर्मस्ट्रॉन्ग का 10⁻⁷ होता है, 3 आर्म्स प्लस हो गए तो कितना हो गया 4×10⁻⁷ मीटर। और आपको क्या दिया हुआ है, एक एनर्जी कैलकुलेटेड, एनर्जी हमें निकालनी है, ठीक है, तो एनर्जी हमको निकालनी है। अब आपको पता है एनर्जी कितनी हुई, ठीक है, लैम्डा आपको दिया हुआ, एच क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, सी क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ लाइट, अब आपको पता है एच कितना होता है 6.634 करके लिखा होता है 10⁻³, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3×10⁻⁸, और साथ में ये कितना आ गया 4×10⁻⁷, ठीक है। बस आपने इसको मल्टीप्लाई करना, ठीक है, फिर आपके पास कैलकुलेट करके, ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे, इट्स वैल्यू विल बी 4.95×10⁻¹, ठीक है, 4.95×10⁻¹19, ठीक है, जूल आ गया। लेकिन आपको आंसर पूछा है इलेक्ट्रो बोर्ड, जब इलेक्ट्रो बोर्ड पूछा है तो 1.6×10⁻¹ डिवाइड करो तो वो बन जाता है इलेक्ट्रो वोल्ट, तो 1.6 से इसको आप डिवाइड करो तो ऑलमोस्ट 3 कुछ आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रो वोल्ट, ये सी क्या होता है सर, 4.95 से डिवाइड कीजिए 3 आ जाएगा इसका, तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। अब इसमें कुछ में क्या होता है, दिया क्या था हमको, सिर्फ वेवलेंथ, तो आपने न्यूमेरिकल्स में ख्याल रखना कि आपको कम चीज़ें कई बार दी होगी, आपने जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है वो भी यूज़ करनी है,
और फिर ये न्यूमेरिकल्स होंगे। क्लियर है? तो इस तरह से ही आप और न्यूमेरिकल करने की कोशिश करें। अगर कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो हम उसको नेक्स्ट इसमें कर लेंगे। ठीक है, वैसे भी जो बच्चे नहीं भी आए हैं उनको भी आप बता सकते हो कि नेक्स्ट टाइम जो ये चैप्टर शायद मिडिल तक ख़त्म हो गए यूनिट्स इसका, फिर हम सिर्फ इसके न्यूमेरिकल्स ही करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसमें मैं इसके सारे न्यूमेरिकल जो कंपटीशन में भी रहते हैं और जो बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं या CBSE में आते हैं, वो सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवाऊँगा। तब तक ये थियोरेटिकल ये फॉर्मूला जो उसकी वैल्यूज़ हैं वो आप याद कर लें और उसके बाद हम फिर नेक्स्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट टाइम।